बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो दिल से किसानों के साथ हैं। अपनी दिन ब दिन की दिनचर्या की वजह से वो बॉर्डर पे नहीं पहुँच पा रहे, लेकिन दिल से उनके साथ हैं ऐसे सब लोग। अब उनको भी मौका मिला है, ऐसे सब लोग अपने अपने घरों में एक एक दिन का उपवास रखें और किसानों की मांगों के समर्थन में प्रार्थना करें। केंद्र सरकार के कुछ मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग बार 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 कह रहे हैं कि ये किसान देशद्रोही हैं, ये आंदोलन देशद्रोहियों का है, यहाँ पे एंटी नेशनल लोग बैठे हुए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, हजारों हजारों एक्स सर्विसमैन, पूर्व सैनिक जो रिटायर हो चुके हैं, ऐसे हजारों पूर्व सैनिक वहाँ पे बॉर्डर पे किसानों के साथ बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने एक समय में देश की रक्षा करने के लिए अपने जान की बाजी लगाई थी। ऐसे हजारों सैनिक हैं जो अपने घरों में बैठ के उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ये सारे एंटी नेशनल हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उनके मंत्रियों और भाजपा के नेताओं से, कि ऐसे कितने ही नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश के लिए इंटरनेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर देश के लिए नाम कमाया और देश के लिए मेडल जीत के लाए, ऐसे कितने ही खिलाड़ी वहां पे बॉर्डर बैठे हुए हैं किसानों के साथ। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जो किसानों के बच्चे हैं। मैं जानता हूं कुछ सेलिब्रिटी, कुछ सिंगर्स को तो मैं खुद जानता हूं, कुछ सेलिब्रिटीज को मैं खुद जानता हूं जो किसानों के बच्चे हैं, किसानों के परिवार से आते हैं। ये सब लोग जो इनको समर्थन कर रहे हैं, ये एंटी नेशनल हैं। कितने ही ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपना समर्थन दिया है, ये सब डॉक्टर्स हमारे देश के एंटी नेशनल हैं। किसानों ने कल एक दिन के उपवास का ऐलान किया है। उन्होंने अपील की है पूरे देश की जनता से कि उनके किसानों के समर्थन में सब लोग एक दिन का उपवास रखें। मैं भी उनके साथ कल एक दिन का उपवास रखूँगा। मैं सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से अपील करता हूं कि वो भी किसानों की इस मांगों के समर्थन में एक दिन का उपवास रखें। और मैं देश के सभी लोगों से अपील करता हूं, बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो दिल से किसानों के साथ हैं, अपनी दिन ब दिन की दिनचर्या की वजह से वो बॉर्डर पर नहीं पहुँच पा रहे, लेकिन दिल से उनके साथ हैं ऐसे सब लोग। अब उनको भी मौका मिला है, ऐसे सब लोग अपने अपने घरों में एक एक दिन का उपवास रखें और किसानों की मांगों के समर्थन में प्रार्थना करें। मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार के कुछ मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग बार 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 कह रहे हैं कि ये किसान देशद्रोही हैं, ये आंदोलन देशद्रोहियों का है, यहाँ पे एंटी नेशनल लोग बैठे हुए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, हजारों हजारों एक्स सर्विसमैन, पूर्व सैनिक जो रिटायर हो चुके हैं, ऐसे हजारों पूर्व सैनिक वहाँ पे बॉर्डर पे किसानों के साथ बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने एक समय में देश की रक्षा करने के लिए अपने जान की बाजी लगाई थी। ऐसे हजारों सैनिक हैं जो अपने घरों में बैठ के उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ये सारे एंटी नेशनल हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, इनके मंत्रियों और भाजपा के नेताओं से, कि ऐसे कितने ही नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश के लिए इंटरनेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर देश के लिए नाम कमाया और देश के लिए मेडल जीत के लाए, ऐसे कितने ही खिलाड़ी वहां पे बॉर्डर बैठे हुए हैं किसानों के साथ, अपने अपने घरों में बैठ के वो दुआएं भेज रहे हैं उनको। ये सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी जो देश के लिए खेले थे और जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते थे, ये सारे एंटी नेशनल हैं। मैं पूछना चाहता हूं इन सारे बीजेपी के नेताओं और इन सारे मंत्रियों से, कितने सिंगर्स हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जो किसानों के बच्चे हैं। मैं जानता हूं कुछ सेलिब्रिटी, कुछ सिंगर्स को तो मैं खुद जानता हूं, कुछ सेलिब्रिटीज को मैं खुद जानता हूं जो किसानों के बच्चे हैं, किसानों के परिवार से आते हैं। ये सब लोग जो इनको समर्थन कर रहे हैं, ये एंटी नेशनल हैं। कितने ही ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपना समर्थन दिया है, ये सब डॉक्टर्स हमारे देश के एंटी नेशनल हैं।
आज मुझे पता चला बहुत बड़ा वकीलों का समूह बॉर्डर के ऊपर उनको समर्थन देने के लिए पहुंचा था। ये देश के सारे वकील एंटी नेशनल हैं। कितने ही व्यापारी हैं, पंजाब से कई व्यापारी मेरे से मिलने के लिए आए कुछ दिन पहले, उन्होंने बताया कि पूरे पंजाब के सारे व्यापारी इनके साथ हैं, और केवल पंजाब नहीं पूरे देश के सारे व्यापारी इनके साथ हैं। देश के सारे व्यापारी एंटी नेशनल हैं। मुझे याद आ गया अपने अन्ना हजारे जी के आंदोलन के दिन, जब हम भी रामलीला मैदान में आंदोलन के लिए बैठे थे, उस वक्त की कांग्रेस की सरकार भी तरह तरह के षड्यंत्र रच के हम लोगों के खिलाफ रोज अखबारों में और मीडिया में टीवी चैनलों पे स्टोरी प्लांट की जाती थी कि ये गलत लोग हैं, ऐसे लोग हैं, एंटी नेशनल लोग हैं। जिस तरह से हमारे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी उन दिनों में कांग्रेस के द्वारा, आज वही कोशिश किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए बीजेपी कर रही है और सत्ता पक्ष कर रहा है। इस देश के किसानों को एंटी नेशनल कहने की हिम्मत मत करना। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसमें तो कुछ चंद लोग, चंद बस पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, कुछ चंद किसान इसमें शामिल है, बाकी जनता इसमें शामिल नहीं है। ये उनकी गलत फहमी है। मैं परसों एक शादी में गया था, दो तीन दिन पहले। वहां पे मैं कुछ लोगों से मैंने पूछा, मैंने कहा इन किसान बिलों के बारे में आपको क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं? आपको जान के ताज्जुब हुआ कि मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोग जो वहां मौजूद थे, उन्होंने मुझे कहा सर ये बिल बड़े खतरनाक हैं। मैंने कहा क्यों? कहते सर इन बिलों में ये लिखा है कि अब कोई आदमी कितना भी अनाज जमाखोरी कर सकता है। अभी तक इस देश के अंदर जमाखोरी करना अपराध होता था। हर अनाज की एक लिमिट होती थी, जैसे मान लो चना है तो सरकार लिमिट लगा देती थी, भाई 10,000 क्विंटल से ज्यादा कोई, या जो भी लिमिट थी, इससे ज्यादा कोई चना अगर जमाखोरी करेगा तो उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उसका सारा सामान जब्त कर लिया जाएगा। इस देश के अंदर जमाखोरी करना जुर्म होता था, क्योंकि जमाखोरी करने से कीमतें बढ़ती थी। अब जो केंद्र सरकार कानून लाई है, इसमें जमाखोरी करना अपराध खत्म कर दिया गया। अब जमाखोरी करना अपराध नहीं बचा है। अब कोई कितनी भी जमाखोरी कर सकता है, कितना भी सामान, कितना भी अनाज जमाखोरी कर सकता है। तो फिर तो जिनके पास पैसा है वो तो बहुत सारा अनाज स्टोर करके रख लेंगे अपने पास, बहुत सारा सामान अपना, बहुत अनाज अपने अपने गोदामों के अंदर स्टोर करके, फिर तो महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। तो मुझे वो लोग कहने लगे सर इससे तो महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, कानून में ये लिखा है कि अगर महंगाई एक साल में डबल जब तक नहीं हो जाती तब तक जमाखोरी करने में कोई पाबंदी नहीं होगी। तो इसमें हर साल महंगाई डबल होती जाएगी। आज अगर 20 रुपए किलो गेहूं है तो इस साल 40 रुपए हो जाएगी, अगले साल 80 रुपए हो जाएगी, अगले साल 3 साल में 160 रुपए। ये क्या है? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई ये गलत फहमी में ना रहे कि इस कानून के समर्थन में केवल चंद वो किसान हैं जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, वो भी हजारों लोग बैठे हुए हैं। इस देश का एक एक आदमी इन कानूनों को समझ रहा है, हर आदमी इन कानूनों को समझ रहा है और इन कानून की बारीकियों को समझ रहा है। जो लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त होने की वजह से बॉर्डर पे नहीं पहुंच पा रहे, उनका दिल वही है, किसानों के साथ है। तो मेरी केंद्र सरकार से गुजारिश है कि अहंकार छोड़िए, अहंकार अच्छी चीज नहीं होती। सरकारें जनता से बनती है, जनता सरकारों से नहीं बनती। अगर जनता इन तीनों बिलों के खिलाफ है तो इन तीनों बिलों को तुरंत रद्द किया जाए, और एमएसपी के ऊपर किसानों की फसलें खरीदने की गारंटी देने का बिल बनाया जाए। जितनी भी किसानों की मांगें, उन सारी किसानों की मांगों को तुरंत मंजूर किया जाए। Thank you.